कक्षा 12वीं विषय गणित प्रश्नावली 15.4 अध्याय 15 समाकलन के अनुप्रयोग। उत्तर x की घात 2 धन y की घात 2 बराबर से 1 की घात 2 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हम में से सब जानते हैं क्या एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर एक व्रत है। एक क्या है? व्रत है। और जिसका केंद्र हम में से सब जानते हैं, जिसका केंद्र ओ और इसके निर्देशांक 0 0 और त्रिज्या, इसकी कितनी? ए के बराबर। इसका आलेख प्रदर्शित है, ये अपन ने इसका आलेख बना लिया। अब इसको छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जिसको हमने छायांकन किया, पूरा का पूरा व्रत है, छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल, छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मतलब क्या लिख रहे हैं? इंटीग्रेशन। अब हम ध्यान देंगे कि हमारे पास जो कंडीशन है हम उसमें इस एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं इस एक हिस्से का क्षेत्रफल और बाकी अन्य हिस्सों के क्षेत्र बराबर होंगे। क्या होगा? 4 इंटीग्रेशन 0 to a y dx, और हम इसे सब जानते हैं 4 y की जो वैल्यू आएगी, हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए है, तो जब वाई स्क्वेयर लिखेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होगा, और जब वाई लिखेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर के ऊपर रूट का साइन आ जाएगा। 0 to a क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन से जो वैल्यू आती है, इसको ध्यान से देखिए, 4 ब्रैकेट के अंदर एक्स बाय 2 रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। कहाँ से कहाँ तक? 0 से ए तक की लिमिट है। जब हम क्या 4 यहाँ ए रखेंगे तो ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन ए बाय ए मीन्स साइन इनवर्स 1। जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 बाय ए। हम में से सब जानते साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय 2। तो हमारे पास होगा 4 इंटू ए स्क्वेयर बाय 2 इंटू पाई बाय 2। 2 2 4, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वेयर पाई या पाई ए स्क्वेयर वर्ग मात्रक। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।